टॉप 4 बेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट फोन्स अंडर 10,000 रुपीज। सो हे दोस्तों, क्या आप भी आज के समय पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ में एक अच्छा और ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहते हैं? सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं अलग अलग कैटेगरी के 4 स्मार्टफोन, जहां पर हमने आपकी नीड और रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखा है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले एक 4G स्मार्टफोन की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने रखा हुआ है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का गैलेक्सी M14 4G। इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। साथ ही डिजाइन भी फोन का काफी अच्छा दिया गया है। इन सभी के अलावा 9mm की थिकनेस और 194 ग्राम के साथ में आता है, तो थोड़ा सा मोटा जरूर है लेकिन बल्कि ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर आपको इन हैंड फीलिंग में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंच की फुल HD प्लस वाली PLS LCD पैनल। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है, कलर्स वगैरह काफी अच्छे दिए गए हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। इन सभी के अलावा 600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, गेमिंग के लिए 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर दिया गया। फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है, डे लाइट में फोटोज वगैरह भी काफी अच्छी आती है। साथ ही में आपको यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो ओवरऑल देखेंगे तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो ये फोन आता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 4G चिपसेट के साथ में। और जैसा कि हम सभी जानते थे, ये चिपसेट काफी ज्यादा स्टेबल है और आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलता है एड्रेनो 610 का GPU। और अंततः की बात करें तो ये स्मार्टफोन लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो देखा जाए तो आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह कर पाएंगे। और इन सभी के अलावा LPDDR4 की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो तो डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 25W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। हालांकि दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको उसे अलग से परचेस करना होगा। लेकिन रही बात बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप आपको इजीली एक दिन का आराम से मिल जाता है अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है। और हाँ, यहाँ पर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर ही देखने को मिलेगा, लेकिन डॉल्बी एटमॉस के साथ में आता है, तो ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। इन सभी के अलावा ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 बेस्ड UI 5.1 पर। तो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है, उसमें आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। और साथ ही साथ सैमसंग की तरफ से 2 साल के मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप सैमसंग की तरफ से इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक ऑलराउंडर टाइप का फोन लेना चाहें, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 464 के लिए आपको देने होंगे 8,999 रुपए। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट में आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर 5G स्मार्टफोन्स की। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने रखा हुआ है पोको की तरफ से आने वाला पोको का M6 Pro 5G। करें इस फोन की, तो वैसे तो फोन का डिजाइन और लुक आपको हमेशा की तरह थोड़ा सा यूनिक देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये फोन पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर बना हुआ है, हालांकि फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलेगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है। बात करें फोन की डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.79 इंच की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 550 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पर आपको अच्छी दी गई है। चलिए कैमरास की बात कर लेते हैं, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 2 कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, और आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। वैसे यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और रही बात आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की।
तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 4nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ही अच्छी और लंबी बैटरी बैकअप निकाल कर देता है। साथ ही साथ फोन की परफॉर्मेंस भी काफी कमाल की है। ये स्मार्टफोन अंतु पर लगभग 4,37,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर एड्रेनो 613 का जीपीयू देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी लगा हुआ है, तो परफॉर्मेंस आपको बजट के हिसाब से टॉप नॉच मिलती है। बात कर ले आप यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, साथ ही साथ हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, जहाँ पर आप एक साथ में एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 बेस MIUI 14 पर। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड के साथ में भी आता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट पैकेज है। तो अगर आप एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और आपका बजट लगभग 10,000 से 11,000 रुपए, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4/64 के लिए इस समय आपको पे करने पड़ेंगे 9,999 रुपए। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है उन यूजर्स के लिए जो कि भाई अब भी नोकिया के फैन है और उन्हें नोकिया की तरफ से कोई अच्छा फोन लेना है। सो आप यहां पर देख सकते हैं नोकिया का G42 5G। तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग दी गई है और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 8.6mm की थिकनेस और 193 grams के साथ में आता है। सो फोन काफी स्लीक और लाइट वेट है और इसी के साथ में आपको यहाँ पर हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.56 इंचेस की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 560 nits तक की ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रही बात अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिलता है। फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा डे लाइट में काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं। डे लाइट में फोटोज में कोई शिकायत नहीं आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड भी दिया गया है, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30fps। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 8nm बेस Qualcomm Snapdragon 480 प्लस का 5G चिपसेट, जिसके अंदर लगा हुआ है Adreno 619 का GPU, जो कि इस प्राइस पॉइंट में आपको काफी अच्छी गेमिंग भी करा देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंतु पर लगभग 3,80,000 के आसपास स्कोर करता है। साथ ही इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है। फोन यहाँ पर 20 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिल जाती है। वैसे दोस्तों फोन का बैकअप काफी अच्छा है। नॉर्मल यूजिंग पर आपको ये स्मार्टफोन 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है। चलिए फिर अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी लाउड है, तो ये अच्छी बात है। और रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। और तो और अच्छी बात यह है कि 2 साल के आपको यहाँ पर मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड्स की गाइस, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। सो आपको यहाँ पर इसमें भी कोई इशू नहीं आने वाले। सो अगर आपको यहाँ पर एक गुड डिजाइन, अच्छा कैमरा, लंबी चलने वाली बैटरी और अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। और अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो G34 5G। बात करें इस फोन की, तो डिजाइन आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह वैसा ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर वेगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आपको प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन 8mm की थिकनेस और 183 grams के साथ में आता है। और रही बात इन हैंड फीलिंग की, तो इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले। रही बात फोन की डिस्प्ले की,
तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंच की एक HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिलती है। सो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे थोड़ी सी डिसेंट है। अगर यहाँ पर फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन होता तो फिर यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छी होती। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट टाइप के आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो कलर को एनहांस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स और काफी सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप अपनी फोटो क्वालिटी को और एनहांस कर सकते हैं। रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैक्रो कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली दोस्तों वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन आपको यहाँ पर मिलता है। स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का पावरफुल चिपसेट। और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 619 का GPU। और अच्छी बात यह कि स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन है। और इसी के साथ में आप यहाँ पर हाई लेवल की सेटिंग पर भी गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली दोस्तों काफी अच्छा फोन है। अब बात करते हैं पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है और 20 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा। चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिलती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर जिसके आउटपुट दोस्तों डेफिनेटली अच्छे हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाले। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया और आपको यहाँ पर 1 साल का मेजर अपडेट भी देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, साथ ही IP52 रेटिंग के साथ में आता है, तो हल्का फुल्का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन VoNR के सपोर्ट के साथ में आता है, यानी कि आप यहाँ पर 5G पर वॉइस कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रेशन का भी सपोर्ट दिया गया है। सो ओवरऑल ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छा पैकेज है। तो चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 4GB RAM 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपए। सभी आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।